गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करके दिखा रही हूँ, जो हमने क्लास में भी डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि उसमें कैसे कैसे हमारे रिजल्ट्स आएंगे। फर्स्टली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस ट्वेंटी वाई प्लस फिफ्टीन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है तो बाकी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से देखिए, अब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो भी ये टर्म है, हम इसको नाम क्या देते थे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स वाई। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है यहाँ पे, सेंटर। सेंटर के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये इक्वेशन में से ए बी सी निकाल लेते हैं सब। ए वन आएगा, एच कितना आया है माइनस फाइव बाई टू, बी इज इक्वल्स टू वन, जी इज इक्वल्स टू फोर, एफ इज इक्वल्स टू माइनस टेन, सी इज इक्वल्स टू फिफ्टीन। अब अगर हमें इसका सेंटर कैलकुलेट करना है कहाँ पे है, तो हम क्या करते थे, कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स, इसको निकाल के ज़ीरो। सिमिलरली कर्ल एफ बाई कर्ल वाई, इसको भी कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू ज़ीरो पुट करके। तो कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, टू एक्स माइनस फाइव वाई प्लस एट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और ऐसे ही अगर मैं लिखूँ वाई, वो क्या जाएगा, माइनस फाइव एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेंटी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी मेरे पास दो इक्वेशन हैं एक्स एंड वाई में, मैं यहाँ से सॉल्व करूँगी, वैल्यूज़ किसके निकाल लूँगी, एक्स की और वाई के लिए। तो मेरा मेथड देखिए क्या रहेगा, एक्स अपॉन करके मैं निकालती हूँ। तो आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस इक्वेशन में थोड़ी देर के लिए इसी के नीचे लिख रही हूँ, सो दैट मुझे ईजी हो जाए कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस हंड्रेड, दिस इज प्लस सिक्सटीन वाई, फोर्टी माइनस फोर्टी वन अपॉन माइनस फोर प्लस ट्वेंटी फाइव। ये मेरा मेथड निकालने का क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट कर लो, दो इक्वेशन है किसमें है एक्स एंड वाई में, आपको बस ये सॉल्व करके मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज़ देनी है। तो यहाँ से मेरी एक्स वाई की वैल्यू आ रही है एक्स अपॉन माइनस एटी फोर, वाई अपॉन दिस इज ज़ीरो, वन अपॉन ट्वेंटी वन, दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या ये हमारा सेंटर ओरिजिन आया, ज़ीरो ज़ीरो आया, तो नहीं आया। दैट मीन्स अब हम कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, रेफर टू सेंटर एट ओरिजिन, जो हमने लास्ट आर्टिकल किया था वही वाला, उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस, स्मॉल लिख लो कैपिटल आपकी मर्जी है फिलहाल, बी वाई स्क्वेयर प्लस सी वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। पर इनको हम मोस्टली क्या कंसिडर करेंगे, कैपिटल ही प्रेफर करेंगे इनको कैपिटल रखने के लिए। आप रखिएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, एक चीज़ हम ध्यान में रखेंगे, अब जो भी यहाँ पे आएगा रेफर टू सेंटर एट ओरिजिन, उसमें हम क्या रखेंगे, सबको कैपिटल। सी वन हमें पता है वैल्यू क्या होती थी, जी एक्स वन एफ वाई वन प्लस सी, जहाँ पे ये एक्स वन और वाई वन क्या होते थे हमारे सेंटर, ये क्या आ जाते थे हमारे सेंटर। मैं वैल्यूज पुट कर दूँ सी वन में, सी वन बन जाएगा, जी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास क्वेश्चन से यहाँ से, फोर एक्स वन, मतलब जो हमारा ये वाला आया था सेंटर, दिस इज माइनस फोर। ऐसे ही मेरे पास एफ है माइनस टेन क्वेश्चन से ही, और वाई वन ये है जो अभी हमने निकाला, क्योंकि सेंटर यही होते हैं एक्स वन वाई वन। वाई वन कितना है यहाँ पे मेरे पास, टेन प्लस सी, सी कितना है क्वेश्चन में से ये निकाला हुआ है हमने, फिफ्टीन। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फोर फोर ज़ार सिक्सटीन विद माइनस साइन, ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन सिक्सटीन माइनस फाइव, दिस विल बिकम यहाँ पे ज़ीरो एंड नॉट टेन। तो ये टर्म कितनी बन गई है, ज़ीरो। दिस मीन्स दिस इज इक्वल्स टू माइनस सिक्सटीन प्लस फिफ्टीन इज माइनस वन। तो मेरे पास सी वन कितना आ चुका है, माइनस वन। अब मैं वैल्यू वापस रख देती हूँ, जो मेरी सेंटर ये वाली रेफर टू ओरिजिन था, ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस
सी वन कितना आ गया है मेरे पास, माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको हम दूसरी साइड शिफ्ट कर दे, क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इस इक्वेशन को क्या कह रहे हैं कि हम कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, जो ये वाली इक्वेशन आई है और जो पहले वाली थी, उन दोनों को देखते हैं ए बी हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं। क्या थे हमारे पास, यहाँ से ए है वन, तो कैपिटल ए भी कितना हो जाएगा वन। टू एच, यहाँ से देखिए टू एच की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस फाइव, तो कैपिटल एच की कितनी आ जाएगी, फाइव बाई टू, ये सेम है मतलब यही आएंगे, तो इनको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। और बी कितना आ जाएगा, एज इट इज़ यही आना है, कैपिटल बी इज इक्वल्स टू वन, क्योंकि मैंने आपको यही कहा था आप चाहे कैपिटल ए बी सी लिख लो, मतलब ए एच बी, या फिर स्मॉल लिख लो, वैल्यू सेम है। तो अब इसका मतलब मेरी इक्वेशन बन गई है, मैं ए की वैल्यू पुट कर रही हूँ एच की और बी की, अब मेरी इक्वेशन ये बन चुकी है। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, लेंथ निकालनी है किसकी, ऑफ सेमी एक्सिस। लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस देखिए अब हम कैसे निकालेंगे, ये आपको डायरेक्टली याद करना है, एक ए आएगा एक में, सॉरी आर वन एक में, ऐसे करके हम सॉल्व करने के लिए ये लिखते दे, ये इक्वेशन याद कर लेंगे। मैं एलसीएम ले लेती हूँ, यहाँ पे आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर माइनस वन, यहाँ आएगा बी आर स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए आर स्क्वायर माइनस वन बी आर स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर इंटू आर रेज टू पावर फोर, क्योंकि यहाँ पर टू टू पावर है, ऐड हो जाएंगी पावर, यहाँ मैंने इसको ऊपर भेज दिया है। अब अगर मैं इसको ओपन करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ए बी आर रेज टू पावर फोर, देन ये आएगा माइनस बी आर स्क्वायर, देन यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ए आर स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर आर रेज टू पावर फोर। इस आर रेज टू पावर को फोर को इधर ले आऊँ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो आर रेज टू पावर फोर कॉमन है, मैं इसको बाहर कैलकुलेट कर दूँगी, आर रेज टू पावर फोर इन दोनों में देखे तो आर स्क्वायर है, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी लिख सकती हूँ मैं। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आए, आप नॉर्मली बस आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये आनी चाहिए, ये इक्वेशन आ गई। अब मैं ए बी एच सब की वैल्यू रख देती हूँ जो मेरे पास है, वन यहाँ पे एच था फाइव बाई टू, तो ये हो जाएगा फाइव स्क्वायर मतलब ट्वेंटी फाइव, टू स्क्वायर बाय मतलब फोर, ए की वैल्यू रख दी, बी की रख दी, एलसीएम ले लूँ मैं यहाँ पे, तो ये फोर यहाँ भी क्या आ जाएगा, फोर, तो ये बन जाएगा माइनस ट्वेंटी वन अपॉन आर रेज टू पावर अपॉन फोर इंटू आर रेज टू पावर फोर माइनस टू आर स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एलसीएम ले लेते हैं माइनस ट्वेंटी वन आर रेज टू पावर फोर माइनस एट आर स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इस टर्म को पॉजिटिव बनाते हैं, तो माइनस पूरे में से कॉमन ले रही हूँ, ट्वेंटी वन आर रेज टू पावर फोर प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस, ये इक्वेशन आ गई है। अब मैंने जैसे आपको क्लास में बताया था, थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, आर स्क्वायर को पुट कर देंगे टी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ट्वेंटी वन टी स्क्वायर प्लस एट टी माइनस फोर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या आप इसके रूट्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट रूल, तो क्या आएगा, टी इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, सी माइनस फोर है अपॉन टू ए, यही आएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस एट प्लस माइनस अंडर द रूट एट एट इज सिक्सटी फोर, फोर एटी फोर इंटू फोर, दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा थ्री थ्री सिक्स फोर्टी टू। मैं इनको ऐड भी कर लेती हूँ, प्लस माइनस अंडर द रूट ज़ीरो ज़ीरो फोर अपॉन फोर्टी टू, क्या आएगा, माइनस एट प्लस माइनस ट्वेंटी बाय फोर्टी टू, तो मेरे पास दो वैल्यू आएंगी, एक में पीछे प्लस का लगा लेते हैं साइन, तो एक आएगा प्लस करके, एक आ जाएगा मेरे पास माइनस करके, तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वेल्व बाय फोर्टी टू, दूसरी आ जाएगी माइनस ट्वेंटी एट बाय फोर्टी टू,
तो ये वैल्यू किसकी आई है, टी की आई है। टी का मतलब क्या था, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर किसका मतलब, दो वैल्यू आई है 12/42 कॉमा -28/42, ये दो वैल्यूज आई हैं। अब मैंने आपको कहा था कि अगर दोनों में से, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारे पास क्या आता था, इलिप्स। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो इमेजिनरी इलिप्स। अब ये कैसी आ गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, हाइपरबोला, क्योंकि अपोजिट साइन आ गए दोनों के। दोनों के ही कैसे हैं, यहाँ पे अपोजिट साइन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधा सीधा। अब आर वन आर टू किसको चूज करें, तो आर वन आर टू के लिए देख लें हम क्या करेंगे, आर वन स्क्वेयर हम ले लेते हैं 12/42 को, आर टू स्क्वेयर ले लेते हैं -28/42, कैंसिल होके कितना आ जाएगा ये 2/7, आर टू कितना आ जाएगा 2/3, ये स्क्वायर है। तो अगर मैं आर वन निकालूँ कितना आएगा, अंडर द रूट 2/7, आर टू कितना आ जाएगा अंडर द रूट -2/3, अंडर द रूट में यही आएगा। अब अगर मुझे लेंथ निकालनी है किसकी, ऑफ, अब मेरा जो हाइपरबोला होता है, ये होता है हाइपरबोला, इसमें कौन कौन सी एक्सिस होती हैं, एक ट्रांसवर्स और एक माइनर, या फिर कॉन्जुकेट, एक ट्रांसवर एक कॉन्जुकेट। और इलिप्स बनाए तो उसमें कौन सी होती है, एक मेजर एक माइनर, तो इसलिए नेम ऐसे आ जाते हैं। एक्सिस दोनों में ही दो होती है, बट इलिप्स में हो जाती है एक मेजर एक माइनर, यहाँ पे होती है एक ट्रांसवर्स और एक कॉन्जुकेट। तो कॉन्जुकेट ट्रांसवर वाली देखते हैं हम पहले, ट्रांसवर्स में क्या दिया है, ट्रांसवर्स एक्सिस का कैसे निकलता रहा, 2R1, ये मेरे ख्याल से आपने पहले भी देखा होगा, सेम इलिप्स में था। 2R1 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2/7। ऐसे ही अगर मैं लेंथ ऑफ कॉन्जुकेट एक्सिस निकालूं, वो क्या होता है 2 - √R2² ये मैं क्यों कर रही हूँ, वरना आयोटा आएगा। अगर मैं सीधा R2 होता है यहाँ पे 2R2 तो क्या आ जाता, आयोटा। उसको मैं हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए ही क्या कर रही हूँ, अंडर रूट के अंदर एक और बार माइनस ले रही हूँ, वैल्यू पुट करते हैं। 2 एज इट इज अंडर रूट लगा दिया, माइनस साइन लगाया आपने, R2 का स्क्वायर क्या है -2/3, देखो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2 √2/3। सिर्फ ये अंदर पॉजिटिव बनाने के लिए हमने ऐसे रखा है इसको। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस a-1/ ट्रांसवर्स में कौन यूज हुआ है, R1, तो यहाँ भी कौन आएगा, R1 x + hy = 0। आपके पास a की वैल्यू है, R1 की है, h की भी है, वैल्यूज पुट कर देते हैं अब हम। 1 - 7/2 x 5/2 y = 0, दिस मीन्स ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 - 7/2 x - 5/2 y = 0। दैट मीन्स ये आ गया है यहाँ से 5/2 x - 5/2 y = 0। दोनों में ही 5/2 मेरे पास क्या है, अच्छा ये माइनस आएगा बिकॉज 2 - 7 है, दोनों में ही -5/2 कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, x + y = 0। इसको पूरे को हम 0 के पास भेज देते हैं, क्या आएगा x + y = 0। ये इक्वेशन आई है मेरे पास किसकी, ट्रांसवर्स एक्सिस की। लेकिन मुझे तो क्वेश्चन में कैपिटल x कैपिटल y नहीं दिया था, ये तो मैंने खुद से कंसिडर किए हैं। कब किए थे, जब हमने जो हमारा सेंटर था वो चेंज किया था, सेंटर इस क्वेश्चन का कहाँ आ रहा था, -4, 0 पे। फिर हमने एक इक्वेशन लिखी थी ना, रेफर टू सेंटर एट ओरिजिन, कि हम इसको कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, 4 - 4, 0 को ओरिजिन पे। तब स्मॉल x से क्या बन जाता था, कैपिटल x, स्मॉल y से कैपिटल y, स्मॉल h से कैपिटल h, ऐसे आता था हमारे पास। तो देखिए शिफ्टिंग के टाइम मैंने आपको बताया था, जब क्लास में मैंने एक दो बार डिस्कस कर दिया है अब ये, कि अगर हमारा पहले था कोऑर्डिनेट x y, और अब नया कोऑर्डिनेट आया है, पहले था x - y', सेंटर इसका फिलहाल कहाँ रखा था, यहाँ पे, हम इसे शिफ्ट कहाँ करना चाहते हैं, 0, 0 पे। तो नई ओरिजिनल एक्सिस आ जाएगी x y, जो इसको ओरिजिन मान के है, ये कब बनी है, जब ये ओरिजिन है एक तरह से,
ये मतलब उसका एक तरह से सेंटर है आप कहें तो। एक पॉइंट पी था जब हमारे पास ये वाली एक्सिस थी सिर्फ एक्स डैश वाई डैश वाली, तो उसके कोऑर्डिनेट थे एक्स डैश वाई डैश। अब जो नया आया है यहाँ के लिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो हमने उसको क्या ले लिया है एक्स वाई। अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूँ ये वाला, तो ये पॉइंट क्या है एक्स डैश है। अगर मैं ये पॉइंट देखूँ ऐसे करके, तो ये पॉइंट क्या है वाई डैश है। बिकॉज अगर मैं आपको कहती हूँ एक पॉइंट 3.2 बनाओ, तो आप कैसे बनाते रहे, एक्स एक्सिस पे 3 लगाते रहे टिक और वहाँ से एक स्केल से लाइन लगाते रहे, ऐसे ही वाई पे 2 देखते रहे, फिर वहाँ से स्ट्रेट लाइन जहाँ ये दोनों मिल गए वहाँ ये पॉइंट है। सेम मैं कह रही हूँ कि इसके लिए फिलहाल ये ले लीजिए आप एक्स डैश वाई डैश है, और एक्सिस भी सिर्फ ये वाली है जो आपको विजिबल है एक्स डैश वाई डैश वाली, ये तो कैसे बनेगा। अब मैं कह रही हूँ कि इसके अब नए कोऑर्डिनेट क्या बन गए हैं एक्स वाई, जब मैंने इस एक्स वन वाई वन को उठा के कहाँ रख दिया है जीरो जीरो पे, तो इसका मतलब एक्स कहाँ है, ये पूरा कितना है एक्स, ये पूरा कितना है वाई, और ये कितना आएगा क्योंकि एक्स वन है वाई वन है, तो इसका मतलब ये वाई वन ये एक्स वन। तो मैं एक्स को देख रही हूँ कैसे आ रहा है एक्स वन प्लस एक्स डैश। इस क्वेश्चन में कैसे है स्मॉल एक्स तो एज इट इज़ है, एक्स वन कौन होता ना सेंटर, मैंने आपको पीछे बताया दैट मीन्स माइनस फोर। एक्स डैश क्या होती थी जो हमारे पास पहले वाली एक्सिस रहती थी, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास कैपिटल एक्स। जिसको इसमें भी डाउट आया तो आप डायरेक्ट देख लो, इक्वेशन हमारे पास ये आई थी, सेंटर क्या थे ये सेंटर देख लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, कैपिटल एक्स होता है स्मॉल एक्स माइनस दिस टर्म, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस फोर। ऐसे ही कैपिटल वाई क्या होता है स्मॉल वाई माइनस दिस टर्म, कितना आ जाएगा वाई, ये बन जाएंगे। तो इसका मतलब मैं यहाँ से वैल्यू रख सकती हूँ, कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी रख दूंगी एक्स प्लस फोर, कैपिटल वाई की क्या रख दूंगी वाई। तो इसका मतलब अब इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या बन जाएगी मेरे पास, पहले थी कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू जीरो, अब मैं इनके वैल्यूज रख रही हूँ, कैपिटल एक्स कितना है एक्स प्लस फोर, कैपिटल वाई कितना है वाई इज इक्वल्स टू जीरो। इसका इक्वेशन आ गई है एक्स प्लस वाई प्लस फोर इज इक्वल्स टू जीरो। ऐसे अब हम किसकी इक्वेशन निकालेंगे, लेंथ ऑफ कॉन्जुकेट एक्सिस। कॉन्जुकेट एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, सेम इक्वेशन है बस वहाँ क्या आ जाएगा अब आर टू आ जाएगा नीचे यहाँ पे, बाकी पूरा क्या रहेगा सेम। ए की वैल्यू रखते हैं, ए कितना है वन, इसकी वैल्यू कितनी है टू बाई थ्री थी, इसको मैंने ऊपर कर दिया क्योंकि माइनस टू में लिख देती हूँ, अगर आपको भी कंफ्यूज ना हो जाओ, यहाँ पे वन इतना आना था, क्लियरली देख लेते हैं वन माइनस दिस आर टू स्क्वायर था मेरे पास माइनस टू बाई थ्री एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अब मैं देखिए यहाँ पे क्या कर रही हूँ, थ्री को वन के पास ले जाऊँ क्योंकि अपॉन के भी अपॉन में है ये, तो क्या आ जाएगा वन, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएंगे दोनों मिलके प्लस, थ्री ऊपर आ जाएगा टू नीचे एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल्स टू जीरो। एच की वैल्यू भी रख दीजिए, मैंने इसमें नहीं रखी, मैं दोबारा रख देती हूँ यहाँ पे, एलसीएम नहीं ले लेते हैं साथ साथ, कितना आ जाएगा ये फाइव बाय टू कैपिटल एक्स, एच की वैल्यू है माइनस फाइव बाई टू, क्वेश्चन से जो पीछे आपको बताया अभी जीरो, दोनों में से फाइव बाई टू कॉमन लेते क्या आएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू जीरो। फिर से कैपिटल एक्स की जगह क्या रख देंगे एक्स प्लस फोर, कैपिटल वाई की जगह पे ये रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस ऑफ दिस, ये हमारे पास क्या है कॉनिक दे दिया आर, एक में आएगा बीच में प्लस दूसरे में माइनस, दैट मीन्स मुझे बताना है कि सेमी एक्सिस, इसकी सेमी एक्सिस की अगर मैं लेंथ निकालूँ जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, वो क्या आएगी एक बार प्लस एक बार माइनस, एंड देयर इक्वेशन कि अगर मैं इक्वेशन जैसे मैंने अभी 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 के क्वेश्चन निकाली थी, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वेशन ऑफ कॉन्जुकेट एक्सिस। तो देखो आपको पहले तो निकालना है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, फिर निकालना है अगर ये हाइपरबोला का केस है तो, क्योंकि ये हाइपरबोला बना था इसलिए ट्रांसवर्स वर्ड आ गया था, इसलिए कॉन्जुकेट आ गया था, इलिप्स होता यहाँ क्या आ जाता मेजर, यहाँ क्या आ जाता माइनर। तो इसने यही कहा है कि हम ऐसे ही लेंथ निकालेंगे किसकी सेमी एक्सिस की, इसके लिए एक आनी चाहिए जिसमें बीच में यहाँ प्लस होनी चाहिए, एक में माइनस आएगा, और अगर मैं ऐसे ही इक्वेशन लिखूँ बनाऊँ पूरी सॉल्व करूँ तो ये आनी चाहिए। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास,
इसमें मुझे क्या दिया हुआ है, इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी। सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है, इक्वेशन में यहाँ पे वन बनाना, कांस्टेंट हमेशा क्या चाहिए हमें, वन। तो इस डी से डिवाइड कर दो पूरे को, ए बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एच बाय डी एक्स वाई प्लस ए बाय डी दिस इज ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। अब मैं इसको किससे कंपेयर कर दूंगी, जो हम इक्वेशन पढ़ते आए ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। ये इक्वेशन अगर याद हो किसकी है, ये उस कॉनिक की है जिसका सेंटर पहले जीरो जीरो पे नहीं था, हमने शिफ्ट किया था, सेंटर रेफर टू सेंटर रेफर्ड एज ओरिजिन, ये वो वाली इक्वेशन है। अब मैं दोनों को कंपेयर कर लूँ, कैपिटल ए मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, ए बाई डी, कैपिटल बी आ जाएगा ए बाई डी, एंड 2h कितना है मेरे पास, 2h बाई डी, दैट मीन्स h कितना है, स्मॉल h बाई डी, यही आएंगे। अब मुझे पूछा है इसने क्या क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे नीचे लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस, मुझे उसकी इक्वेशन पता है, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस क्या होता है, ऑफ सेमी एक्सिस कैसे देते थे, अभी अभी क्वेश्चन में भी देखा है, एग्जाम्पल्स में भी यही दिया हुआ है इसने, आर स्क्वेयर बी माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। इस इक्वेशन से मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करवाया था, एलसीएम भी लिया था, फिर आर स्क्वायर को इधर भेजा आर रेस्ट पावर फोर को, तो इक्वेशन बनी थी वो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, पिछले ही क्वेश्चन में है पूरा, आपको अगर डाउट हो तो आप वहाँ चेक कर सकते हो, ये आई थी। अब मैं इसमें वैल्यू रख दूँ, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल एच की यहाँ से, तो मेरे पास आएगा a बाई डी, इसकी वैल्यू भी क्या है b की, भी a बाय डी, दैट मीन्स a बाई डी का होल स्क्वायर, माइनस h का मतलब क्या था, h बाई डी, उसका स्क्वायर चाहिए तो एच स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, माइनस a प्लस बी, ए भी वही वैल्यू दे रहा है, b भी तो टू ऑफ a बाय डी इंटू आर स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इनका एलसीएम ले लेते हैं, देखते क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, उसमें डी स्क्वायर नीचे कॉमन ही है, अच्छा मैंने यहाँ पे आर एस टू पावर फोर मिस कर दिया, रहा यहाँ आएगा माइनस टू ए बाय डी आर स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एलसीएम लेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आर एस टू पावर फोर माइनस टू ए डी आर स्क्वायर प्लस प्लस आ जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये इक्वेशन बन गई है। अब मैं फिर से क्या करूँगी, इसे आर रेज टू पावर फोर को लिख सकती हूँ, स्क्वायर का स्क्वायर, और मैं आर स्क्वायर को क्या पुट कर दूँगी, टी, सॉल्व करने के लिए, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी जब टी में ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू ए डी टी प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर से क्या लगा देंगे अब, डिस्क्रिमिनेंट रूल, तो रूट आ जाएगी टी इज इक्वल्स टू टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी अपॉन टू ए, यही आ जाएगा हमारे पास। अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, थोड़ा सा क्या आता देखते हैं, टू ए डी प्लस माइनस अंडर द रूट, ये तो एज इट इज, इसमें देखते हैं जब हम खोलेंगे इसको तो आएगा माइनस फोर ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस फोर एच स्क्वायर डी स्क्वायर टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, देखिए ये टू का स्क्वायर है यहाँ पे, एच का स्क्वायर डी का स्क्वायर, अंडर द रूट से बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा, प्लस माइनस 2 hd अपॉन 2 a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यही आ जाएगी टर्म, 2 दोनों में से 2 कॉमन है और d कॉमन है, कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचा है यहाँ पे a प्लस माइनस h बाय 2 a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यही टर्म आएंगी। दैट मीन्स अगर मैं इस टर्म को देखो तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बच रहा है एक तो d, फिर है ऊपर प्लस माइनस h, नीचे है
ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, क्या मैं इसका फॉर्मूला लगा लूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, हम उसे ओपन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, दैट मीन्स एच है यहाँ पे एच, इसको मैंने ओपन करके ये लिख दिया है। अब एक बार प्लस का साइन लेते हैं, एक बार माइनस का देखते हैं क्या आता है डी। तो एक बार प्लस ए माइनस एच, ए प्लस एच, डी ए प्लस माइनस एच, ये माइनस एच, ए प्लस एच, ये कैंसिल आउट, प्लस कैंसिल आउट। तो इसकी एक रूट आई है डी अपॉन ए माइनस एच, दूसरी क्या आई है डी अपॉन ए प्लस एच। ये वैल्यू किसके निकाल रहे थे हम, टी की। क्वेश्चन जो सॉल्व करने गए थे टी, और टी किसके इक्वल था आर स्क्वायर के, दैट मीन्स टी का मतलब क्या है आर स्क्वायर की वैल्यू आई है डी अपॉन ए माइनस एच, दूसरी आई है डी अपॉन ए प्लस एच। अंडर रूट भेज दे इधर, क्योंकि हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की दो वैल्यू आएंगी डी अपॉन ए माइनस एच, दूसरी आएगी डी अपॉन ए प्लस एच अंडर द रूट। देखिए क्या हमें यही प्रूफ करना था, ये वाला यहाँ पर जहाँ मेरा पेन है नीचे, यही प्रूफ करना था। एक में देखो बीच में प्लस आया है, हमारा प्लस है, एक में बीच में क्या आया है माइनस, तो माइनस है। हमारे यहाँ पे लेंथ तो मैच कर गई, अब क्या निकालनी है इक्वेशंस। इक्वेशंस हम कैसे निकाल लेते हैं, इसमें देखो अब इक्वेशन एक दी है, अगर हम पिछला क्वेश्चन ध्यान हो तो इक्वेशन तो कितनी आती थी दो, एक इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और एक आती थी इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, बट इसमें एक ही दिए, दैट मीन्स हमें दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ द इक्वेशन नहीं लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगी इक्वेशंस ऑफ एक्सेस आर, क्या बन जाएगी इक्वेशंस, एक बार हम रखते रहे ए माइनस वन अपॉन आर वन स्क्वायर, एक बार हम क्या रखते रहे नीचे आर टू स्क्वायर, साथ में यहाँ होता रहा एक्स प्लस एच वाई। पिछले क्वेश्चन में आपका यहाँ पे क्या चल रहा था कैपिटल, क्यों, क्योंकि उसका सेंटर हमने शिफ्ट किया था। यहाँ पे हमें सेंटर से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हमें किससे मतलब है इक्वेशन से मतलब है या लेंथ से है, उसमें मुझे कैपिटल एक्स हो या स्मॉल एक्स हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है डायरेक्टली, क्योंकि मैंने यहाँ कोई शिफ्टिंग वगैरह नहीं करी है। और शिफ्टिंग क्यों नहीं की है, आपका माइंड में ये भी आना चाहिए वैसे डाउट कि शिफ्टिंग क्यों की नहीं। जैसे पिछले क्वेश्चंस में अगर मैं क्वेश्चन दिखा दूँ पिछला, तो पहले हम सेंटर निकालते रहे, फिर हमारा सेंटर आ गया जैसे ये वाला, तो फिर हम लिखते रहे कि ये इक्वेशन बनेगी सी वन निकालेंगे, ये पूरा प्रोसेस होगा। पर क्या मैंने इस क्वेश्चन में क्यों नहीं किया ऐसा, अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, तो इसमें अकेले एक्स की टर्म है ना अकेले वाई की, और मैंने आपको हमेशा बताया ऐसी इक्वेशन अगर आपके सामने आए तो वो कहाँ से पास कर रही है, ऑब्वियसली सेंटर से, दैट मीन्स ओरिजिन से। आप इसके लिए निकाल के देखना चाहो निकाल के देख सकते हो, एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, फिर इसको इक्वल टू जीरो, विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू जीरो, इसका सेंटर आएगा ही कहाँ जीरो जीरो पे, तो मुझे शिफ्टिंग करनी ही नहीं पड़ी, इसका खुद ही ओरिजिन कहाँ गया जीरो जीरो पे, तो इसका मतलब इक्वेशन एज इट इज़ रह जाएगी स्मॉल एक्स में। कैपिटल एक्स में कब बदलती थी कैपिटल वाई कैपिटल एच में, जब हम शिफ्टिंग करते रहे, जैसे पिछले क्वेश्चन में माइनस फोर कॉमा जीरो से शिफ्ट कहाँ किया था ओरिजिन, दैट मीन्स जीरो जीरो पे, ठीक है। इसलिए आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पे स्मॉल एक्स क्यों आया, पिछले क्वेश्चन में कैपिटल एक्स क्यों आया था, जिसमें भी सेंटर जीरो जीरो पे नहीं है और आप शिफ्टिंग कर रहे हो, दैट मीन्स वहाँ पे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल ए कैपिटल ये सब आएंगे, बट यहाँ पे शिफ्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि पहले ही सेंटर कहाँ है ओरिजिन पे। अच्छा ये इक्वेशन किसकी थी, अगर पिछले क्वेश्चन का ध्यान हो ट्रांसवर्स एक्सिस की, दूसरी क्या आ जाएगी यहाँ पे आर टू स्क्वायर एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन किसकी थी हमारे पास कॉन्जुकेट की, और अगर इलिप्स का क्वेश्चन आए तो ये थी मेजर एक्सिस ये थी माइनर एक्सिस। बस अब आप इसमें कैपिटल ए कैपिटल यहाँ पे एच की वैल्यू रख देंगे, आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर कैपिटल ए एच की वैल्यू रख के आप सॉल्व करेंगे, आपका सेम आएगा यही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। बाकी क्वेश्चंस भी मैंने देखे हैं वो एक्जैक्टली सेम है जैसे मैंने अभी कराए हैं, बस एक क्वेश्चन नंबर सेकंड डिफरेंट था क्योंकि इसमें कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ था हमारे पास, क्योंकि उसकी पहले से ही सेंटर कहाँ पे रखा हुआ था जीरो जीरो पे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें पूछा है
शो करो कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिप्स को, ठीक है। हैंस फाइंड इट्स इसेंट्रिसिटी भी निकालनी है अब की बार, लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये तो हमने पिछले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट में निकाली थी, इक्वेशन एंड लेंथ वाला। लेकिन अब दो नई चीज़ें क्या निकालनी है, एक इसेंट्रिसिटी, दूसरा यहाँ पे फोकाई, मतलब उसका फोकस कहाँ है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे अब हम, ये क्वेश्चन एज इट इज पहले चलेगा जैसे आपके बाकी क्वेश्चन चले हैं, तो इसलिए मैं वहाँ से नहीं कराऊंगी। अब मैं आपको जो डायरेक्ट इसका आएगा वहाँ से बता रही हूँ आप इसको, लेकिन पूरा सॉल्व करेंगे। पहले सेंटर निकालेंगे, सेंटर देखेंगे क्या 0 0 पे है, अगर 0 0 पे नहीं है तो कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, कॉनिक रेफर टू सेंटर एट ओरिजिन, वहाँ से सी वन की वैल्यू निकालेंगे और कैपिटल ए, कैपिटल एच, कैपिटल बी देखेंगे। फिर आप निकालेंगे क्या लेंथ ऑफ एक्सिस, सेमी एक्सिस, मतलब आर रेज टू पावर 4 आता ना देखो इक्वेशन में, जिसको मैं क्या करती थी, आर स्क्वायर की पावर आर स्क्वायर करती थी, फिर मैं कहती थी आर स्क्वायर क्या रख दो टी, वो वाले की बात कर रही हूँ। तो इस क्वेश्चन में आपके पास मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, आर वन स्क्वायर आएगा 6, आर टू स्क्वायर आएगा 4। आर वन कितना आ गया अंडर रूट 6, आर टू कितना आ गया 2। अगर आप नोट करो तो दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव है 6 भी और 4 भी, दोनों सेम साइन के हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पे, इलिप्स। इलिप्स बन गया, हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट प्रूव हो गया कि हमें दिखाना था ये इलिप्स है। लेंथ ऑफ, अब देखो अगर क्वेश्चन होता हाइपरबोला तो मैं पहले लिखती लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेकिन अब कौन है इलिप्स, तो मैं लिखूंगी लेंथ ऑफ, इलिप्स लिखने लगी थी मैं तो, मेजर एक्सिस कितनी होती थी 2r1, 2 एज इट इज r1 की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं अंडर रूट 6। ऐसी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की कितनी हो जाएगी 2r2, कितना हो जाएगा 2 × 2 दैट इज 4, ये आ जाएगी आपके पास। फिर आप क्या निकालोगे, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, कैसे बताई थी वो मैंने आपको, क्लास में भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, a माइनस वन अपॉन आर वन स्क्वेयर एच, सॉरी x प्लस एच वाई इज इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू रखेंगे आप, फिर आर वन स्क्वेयर, फिर कैपिटल h की इक्वेशन आएगी x एंड y में। इसके लिए इक्वेशन आपकी बनेगी, आप जब सॉल्व करोगे आप चेक करना कि आपकी भी यही आ रही है, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। कैपिटल x किसके इक्वल आएगा, स्मॉल x माइनस सेंटर, सेंटर कहाँ आ रहा है इसका 2 पे। ऐसे ही कैपिटल y किसके इक्वल होगा, y माइनस जहाँ पे सेंटर है 2,3 पे था, तो यहाँ आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस के लिए देखिए क्या करेंगे, बस यहाँ पे r1 की जगह क्या आ जाएगा r2 स्क्वायर, सेम आप पूरा करेंगे इक्वेशंस भी आ जाएंगी। अब मैं आपको जो बताती हूँ इस क्वेश्चन में डिफरेंस कहाँ पे आता है, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला हम क्या करते हैं, आर टू स्क्वायर को लिखते हैं, आर टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर वन स्क्वायर 1 - e² क्या आपके पास आर टू स्क्वायर की वैल्यू है, ये रही दैट इज 4, आर वन स्क्वायर 6, 1 - e तो हमें निकालना ही है, ये डिनोट्स इसेंट्रिसिटी, दैट मीन्स अब आगे देखिए क्या आएगा इसमें, सॉल्व करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है 4/6 इज इक्वल्स टू 1 - e² ई को इधर ले जाते हैं, 4/6 को इधर ले आते हैं, क्या आएगा e² इज इक्वल्स टू 1 - 4/6, एलसीएम भी लेते हैं 6 - 4/6 दैट इज 2/6 1/3, तो e² कितना आ गया है 1/3, तो e कितना आ जाएगा अंडर द रूट 1/3, इसेंट्रिसिटी आ गई हमारे पास। अब फोकाई के लिए हम देखिए क्या करेंगे, फोकाई के लिए हमें डायरेक्ट यहाँ से एक वो रहेगा फॉर्मूला, फॉर्मूले के लिए आपको पहले क्या निकालना है, टेन थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस मतलब आर वन के लिए हमें दिया होता है, तो स्लोप आता कैसे है, स्लोप आता है यहाँ पे ये निकालना है, तो आपको लिखना है पहले माइनस का साइन, कोफिशियंट ऑफ एक्स जो भी आपकी इक्वेशन में था, अगर मैं इसी इक्वेशन में दिखाऊं तो कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना है, एक्स कहाँ है ये रहा, दैट इज माइनस
ये देखिए किससे बताना, मैं ये बता दूँ पहले, क्योंकि मेजर एक्सिस मैंने वर्ड लिखा है, मैं दोबारा यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ। पहले मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, फोकाई। फोकाई होता क्या है, जो यहाँ पे हमारी मेजर एक्सिस बनाती है किसके साथ, कर्व के साथ मेजर एक्सिस बनाती है। तो मेजर एक्सिस हम पहले देख लेते हैं, मेजर एक्सिस इस क्वेश्चन में कितनी आई होगी, मैच करें आप, क्या आपकी भी यही आई है, 2x - y - 1 = 0, यही बनी है। क्योंकि इसके क्या आई थी इक्वेशन पहले, टू कैपिटल एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू जीरो, फिर आपने एक्स की वैल्यू रखी वाई की, तो आपके पास ये आया होगा। इसमें से अब मुझे निकालना है पहले टेन थीटा। टेन थीटा कैसे निकलता है, इस इक्वेशन में मैं लिखूंगी माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ वाई, पहले एक्स का फिर वाई का, इस इक्वेशन से देखने, कभी आप क्वेश्चन वाली इक्वेशन से देखने लग जाओ। माइनस साइन एज इट इज, कोफिशेंट ऑफ एक्स, एक्स के आगे कौन है कोफिशेंट, टू, वाई के आगे कौन है -1, तो इसका स्लोप कितना आ गया है 2, इतना ठीक है। अगर आपको टेन थीटा पता चल गया है, तो क्या आप ट्रिग्नोमेट्री के और वो बता सकते हो मुझे, आइडेंटिटीज क्या क्या आएगी। टेन थीटा मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया कितना आएगा, 2, तो आप क्या करोगे, साइन बाई कॉस कर लो या डायरेक्ट निकाल लो। इसका साइन थीटा कितना आएगा क्वेश्चन में, 2 by √5, क्योंकि टेन थीटा आ गया है 2, तो आप साइन थीटा भी निकाल सकते हो वहां से, कॉस थीटा वो भी कितना आएगा, 1 by √5। अब मैं आपको बता देती हूँ फोकाई कैसे लिखना है, फोकस, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, मतलब फोकाई कहाँ किस पॉइंट पे लाई करेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 + √R1² - R2² कॉस, ये अंडर रूट में नहीं रहेगा, थीटा, ये इस पूरे से मल्टीप्लाई क्या है, कॉस थीटा। दूसरा कोऑर्डिनेट, क्योंकि जब आप 2D में लिखते हो तो पॉइंट ऐसे लिखते हो ना, 1, 1, 2, 3, -5, 3, -5 ऐसे, तो ये तो एक बताया मैंने, जैसे एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट बताया, सेकंड भी लिखेंगे, सेकंड भी एग्जैक्टली सेम है। देखो बस करना क्या है, x1 की जगह क्या आ जाएगा, y1 + - अंडर द रूट सेम रहेगा, R1² - R2², इस पूरे से क्या मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा। आपके पास x1 कौन है हमारा, यहाँ पे सेंटर x1 y1 वैल्यू रख देंगे, R1² आप निकाल चुके हैं, R2² आप निकाल चुके हैं, कॉस थीटा मैंने आपको भी बताया है कहाँ से निकाला था, टेन थीटा 2 है, तो वहाँ से आप ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। टेन थीटा होता क्या है, आप एक पढ़ के आएंगे ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोला, आप उससे भी निकाल सकते हो, जिसमें आपको कन्वीनियंट फील हो वैसे निकाल लें आप, बस इसमें वैल्यूज रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ बिल्कुल ईजी है, क्यों, क्योंकि फाइंड द फोकाई लिख दिया इसने डायरेक्ट, तो आपको क्या करना है, बस पहले सेंटर निकालना है, फिर C1 निकालना है, फिर लेंथ निकालनी है, फिर आप क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ जो भी आपका, अगर इलिप्स बना है तो मेजर माइनर, अगर आपका हाइपरबोला बना है तो ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सेस, फिर आप एज इट इज ये वाला क्वेश्चन कर देंगे ऐसे ही, टेन थीटा क्या हो निकालेंगे इससे। अगर इलिप्स है तो कौन सी इक्वेशन से निकलेगा मेरा टेन थीटा, मेजर से। अगर मेरे पास हाइपरबोला बना है क्वेश्चन में, तो टेन थीटा किससे निकलेगा, ट्रांसवर्स से, ट्रांसवर्स एक्सिस के कोफिशेंट ऑफ एक्स कोफिशेंट ऑफ वाई वाले देखने हैं। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 7 है, आप इनको ट्राई कर ले, आपको कोई डाउट आता है तो हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे।